हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सबके लाई हूँ नमकीन और बहुत ही चटपटी चूड़ा फ्राई की रेसिपी जब कभी भी छोटी मोटी भूख लगे और कुछ चटपटा सा खाने का मन करे तो आप इसे आराम से इंजॉय कर सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स में आप इसे ले सकते हैं चाय के साथ ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटी होती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो मैंने लिया है आधा किलो पोहा जिसे हम चूड़ा और चिवड़ा भी बोलते हैं उसके साथ मैं ले रही हूँ नारियल की गिरी इसे मैंने पतले पतले काट लिए और थोड़ी सी किशमिश थोड़े से काजू और अब इसके साथ में ले रही हूँ थोड़ी सी मूंगफली इन सारी चीज़ों को आप ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं और जो चीज़ पसंद ना हो आप उसे हटा सकते हैं तो मैं ले रही हूँ एक टी जीरा उसके साथ दो लाल मिर्ची एक टी मैंने लिया है खड़ा धनिया और ये ड्राई करी पत्ता है मैं हमेशा करी पत्ता को थोड़ा ड्राई करके अपने पास रखती हूँ कभी कभी मिलता नहीं है तो सबसे पहले मैं मूंगफली को बहुत ही अच्छे से भून लूँगी मूंगफली को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है ताकि उसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे बस मूंगफली भून चुकी है और अब मैं इसे निकाल लूँगी मूंगफली भुनने के बाद अब मैं इसमें भूनूंगी किशमिश को किशमिश को डालते ही मैं इसे लगातार चलाती जाऊँगी क्योंकि किशमिश को भुनने में बहुत ही कम समय लगता है इसे डालते ही बस एक दो बार चलाएं तो ये भुन जाती है तो उसके साथ ही मैं डालूँ इसमें काजू काजू को भी मैं लगातार चलाते हुए भून लूँगी क्योंकि काजू भी बहुत जल्दी भुन जाते हैं अब बारी है सूखे नारियल को भूनने की तो नारियल को भी मैं लगातार चलाते हुए भूनूंगी क्योंकि नारियल भी ड्राई होते हैं तो ये बहुत जल्दी भून जाते हैं तो अगर लगे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो गैस का फ्लेम लो कर दें और उस लो फ्लेम पर ही इसे भूने नहीं तो नारियल जल सकते हैं नारियल अच्छे से भून चुके हैं अब मैं इसे बाहर निकाल निकालूंगी अब उसी तेल में मैं डाल रही हूँ चूड़ा तो जितना चूड़ा मैंने लिया था उसका मैं अभी आधा फ्राई करूँगी आधा मैं इसके बाद फ्राई करूँगी तो चूड़ा डालते ही मैं इसे एक दो बार चला लेती हूँ पहले फिर उसके बाद मैं इसमें धनिया और जीरा जो मैंने रखा है ना वो सारी चीज़ें ऐड करूँगी तो एक दो बार चलाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया उसके बाद मैं डालूँगी इसमें करी पत्ता और जीरा लाल मिर्ची मैं इसमें तोड़ के डाल रही हूँ आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं और लाल मिर्ची की क्वांटिटी आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर रही हूँ बस एक थोड़ा सा अच्छा कलर आने के लिए इस चूड़ा फ्राई को लगातार चलाते हुए भूनते रहना है अगर आप इसे थोड़ी देर भी छोड़ेंगे तो चूड़ा जल जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा आएगा तो आप देख रहे हैं इसका कलर बहुत ही चेंज हो गया है और थोड़ा ये फ्लफी भी हो गया है अब इसे चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा हाथ में लेकर चेक कर रही करी बहुत ज़्यादा गर्म है और इसे चेक करने के बाद मैंने देखा कि ये थोड़ा सा भी इसमें कसर बाकी है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए और भून लूँगी भूनते समय हमेशा ध्यान देना है कि चूड़ा को लगातार चलाते जाना है और गैस के फ्लेम को भी मैनेज करके रखना है थोड़ी देर चलाने के बाद अब चूड़ा अच्छे से भून चुका है तो मैंने गैस को कर दिया है ऑफ़ और, और मैं जो भुने हुए चूड़े को एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि मैं दूसरा चूड़ा जो है उसे मैं भून सकूँ तो मैं इस चूड़ा को पहले निकाल लेती हूँ और सेम प्रोसेस में मैं जो आधा मैंने चूड़ा रखा हुआ था ना रेस्ट में उसको भून लूँगी तो मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा तेल और उसमें बचा हुआ चूड़ा डाल दूँगी और इसे भी लगातार चलाते हुए भूनूंगी इसमें मैं जीरा और धनिया ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले डाल दिया था और ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएगी तो सारा फ्लेवर एक में आ जाएगा तो बस इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया नमक मैं बाद में ऐड करूँगी तो हल्दी मैं डालकर इसे भी सेम प्रोसेस में मैं भून लूँगी लगातार चलाते हुए और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो या हाई करके आपको बस मैनेज करके इसे भूनना है जब कभी भी आप ट्रेवल में जाते हैं तो आप इस चूड़ा फ्राई को ले सकते हैं ये बहुत ही अच्छी लगती है और आपको जो बीच बीच में खाने की क्रेविंग्स होती है ना ट्रेवल में या ट्रेन में या जहाँ भी जाते हो आप तो आप इसे अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं और अगर बच्चे हॉस्टल में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो तो आप उन्हें भी ये बना के दे सकते हैं ये बहुत ही चटपटी और टेस्टी होती है क्योंकि जब बच्चे बाहर रहते तो हम लोगों को थोड़ी टेंशन हो जाती है पता नहीं बच्चों को जब छोटी मोटी क्रेविंग्स होती होगी तो वो इस बीच बीच में क्या खाते होंगे तो अगर ये चूड़ा फ्राई उन्हें दे देते हैं ना तो ये काफ़ी हेल्दी और एक अच्छी सी चीज़ है उनकी छोटी मोटी क्रेविंग्स के लिए तो चूड़ा अच्छे से फ्राई हो चुका है और मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और जो पहले फ्राई करके मैंने चूड़ा रखा था ना उसे भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी ताकि जो भी करी पत्ता और जीरा धनिया का फ्लेवर है वो भी आपस में मिल जाए तो गैस ऑफ करने के बाद भी मैंने इसे एक दो सेकेंड के लिए चलाया क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है और चूड़ा फ्राई जल सकता है ना इसलिए अब बारी आई है इस चूड़ा फ्राई को एक चटपटा सा स्वाद और एक बढ़िया सा लुक देने का तो मैंने डाला इसमें एक स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा चाट मसाला ये मैं डाल रही हूँ हींग हींग जरूर डालें और मैं डाल रही हूँ इसमें मिर्ची पाउडर ये तीखी वाली मिर्ची पाउडर है तो चटपटे से स्वाद के लिए मसाले तो पड़ गए अब बारी है इसके अच्छे से लुक की तो लुक के लिए जो मैंने जो ब्राइन नर्ट्स भून के रखे थे ना मूँगफली काजू किशमिश और नारियल इसको मैं डाल रही हूँ बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर मिक्स हो जाए और आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक बार इसे टेस्ट करके जरूर देखना अगर आपको नमक कम लगे तो नमक मिला देना और अगर चटपटा कम लगे तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला मिला देना मिर्ची पाउडर कम लगे तो मिर्ची पाउडर मिला देना बस इसे एक चटपटा सा और अच्छा सा टेस्ट मिल जाना चाहिए और क्या चाहिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ सेव भुजिया आप कोई सी भी भुजिया इसमें डाल दें हल्दीराम की बीकानेरी की या फिर सिंपल वाली बस ये थोड़ा सा ऐड कर दें तो ये इसका फ्लेवर और लुक भी बहुत अच्छा आता है पर अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अब जब ये चूड़ा फ्राई ठंडी हो जाएगी ना अच्छे से तब मैं इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख लूँगी लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ अगर मसालों में थोड़ी कमी होगी तो मैं इसे अभी ही मिक्स कर लूँगी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है मुझे और नमक मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो दोस्तों अगर आपको इस चूड़ा फ्राई की रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन ज़रूर दबा देना जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे धन्यवाद